हेलो दोस्तों, मैं हूं एनके सिंह और आप देख रहे हैं टेक एंगेज। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 रीजंस नॉट टू बाय नोकिया 6। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो सबसे पहला रीजन है कि ये फोन क्यों नहीं लेना चाहिए, तो रीजन नंबर 1 है इसका जो प्रोसेसर आता है, ये आता है स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर के साथ में। तो अगर आप देखें तो ये 430 जो चिपसेट है वो काफी एडवांस्ड प्रोसेसर नहीं है। और ये जो प्रोसेसर है 430 का, ये 10,000 के नीचे के फोन्स में आता है। अगर ये 435 का भी प्रोसेसर होता तो भी एक लेवल तक इसे एडजस्ट किया जा सकता था, मगर ये 430 का जो प्रोसेसर है ये 435 से भी कम कैपेबल प्रोसेसर है। मैं आप लोगों को 2 टेक्निकल डिफरेंसेस बता देता हूँ स्नैपड्रैगन 435 चिपसेट और स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट के बीच में, ताकि आप लोगों को मालूम पड़ सके कि अगर 435 होता तो कैसा होता। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ रीजन नंबर 1 जो डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो है ये आता है इसके सिग्नल रिसेप्शन में। 435 का जो चिपसेट है वो 4G के सिग्नल्स लेने में ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा कैपेबल है। इसकी जो रेंज है 4G की सिग्नल रिसेप्शन की वो है 20 मेगाहर्ट्ज की, जो कि एग्रीगेशन करता है 2x20 मेगाहर्ट्ज के बैंडविड्थ पर। और यहाँ 430 का जो प्रोसेसर आता है स्नैपड्रैगन का वो करता है 10 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल रिसेप्शन। तो यहाँ देखें तो आपको जो सिग्नल रिसेप्शन, जो 4G का सिग्नल रिसेप्शन है, उसमें आपको डबल का डिफरेंस आता है। ये 10 मेगाहर्ट्ज की सिग्नल्स कैच करता है और ये 20 मेगाहर्ट्ज के। और जो सेकंड डिफरेंस निकल के आता है वो है इनके डाउनलोड और अपलोड स्पीड्स में। तो ये जो 430 का जो चिपसेट है इसमें आप लोगों को डाउनलोड जो स्पीड मिलती है इंटरनेट के द्वारा वो मिलती है 150 Mbps की, और 435 चिपसेट में आपको वही हो जाती है 300 Mbps की। और यहाँ अपलोड स्पीड की अगर देखें तो यहाँ पे 435 का जो प्रोसेसर यहाँ पे भी आगे है, 150 Mbps की आपको अपलोड स्पीड मिलती है, और यहाँ 430 के चिपसेट में आपको मिल जाता है सिर्फ 75 Mbps की। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस दिखाई देता है। तो ये जो मेजर 2 डिफरेंसेस है और बाकी टेक्निकल डिफरेंसेस है उनमें ना जाते हुए ये जो मेजर डिफरेंसेस है मैंने आप लोगों को बताया। मैं ये मानता हूँ कि अगर नोकिया मार्केट में आ रहा था तो कुछ अच्छा लेके आता, और वो भी 15,000 के प्राइस पॉइंट में आप लोगों को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये उतना वर्दी नहीं है। तो ये था रीजन नंबर 1 कि क्यों इसे लेना नहीं चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं इसके रीजन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि ये फोन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो रीजन नंबर 2 आता है इसका रैम, जो कि मिलता है 3GB। हालांकि ये 4GB के वेरिएंट में भी अवेलेबल है, और जहां पे बाहर देशों में ये लॉन्च हुआ है वहां पे 4GB का भी वेरिएंट रिलीज किया गया है इसका। तो आप देखें तो इंडिया में सिर्फ ये 3GB के वेरिएंट में ही मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर 3GB का वेरिएंट मिल रहा है, 3GB का रैम मिलता है आपको, तो उसमें आप लोगों को मिलेगा अपने यूज़ के लिए सिर्फ 1.5 या 2GB मैक्सिमम, क्योंकि बाकी का ऑपरेटिंग सिस्टम और जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस रहेंगे इसके ऊपर उसमें कंज्यूम हो जाएगा, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। कम से कम 4GB का इसे होना चाहिए था। तो अगर 4GB का रैम होता तो ये ज़्यादा बेटर होता। तो इस वजह से ये सेकंड रीजन है मेरा, आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये फोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि और दूसरे फोन्स हैं जो इस प्राइस में आते हैं और उनमें ज़्यादा अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है। हालांकि मैं बात करूँगा उनके बारे में भी वीडियो के अगले हिस्से में। तो अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके तीसरे रीजन के बारे में। जो तीसरा रीजन है वो है इसकी 3000 mAh की बैटरी। तो 3000 mAh की बैटरी एक लेवल तक ठीक है और काफ़ी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है ये, मगर अगर आप देखें तो 5.5 इंच का आपको फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है। तो अगर आप लोग कुछ ज़्यादा इसमें मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं या फिर वीडियोस या गेमिंग करेंगे तो ये 3000 mAh की बैटरी आप लोगों को सफिशिएंट नहीं रहेगी। तो इस वजह से आप लोगों को इस फोन में मिलनी चाहिए थी कम से कम 3500 या 3300 mAh की बैटरी तो मिलनी चाहिए थी। अगर आप देखें रेडमी के फ़ोन्स की, तो रेडमी के फ़ोन्स जो आ रहे हैं वो 5.5 इंच फुल HD के डिस्प्ले में अभी 4000 mAh की बैटरीज मिल रही हैं। तो यहाँ पे 3000 mAh की बैटरी मिलना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही नहीं है, और रेडमी के फ़ोन्स आपको मिलते हैं सिर्फ 10-12 हज़ार की रेंज में और ये है 15,000 का। तो ये रहा तीसरा रीज़न कि ये फ़ोन क्यों नहीं लेना चाहिए, जो कि इसकी बैटरी है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके चौथे रीजन के बारे में,
जो कि है इसकी इंटरनल स्टोरेज दी गई है वो 32 GB की दी गई है। तो 32 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो काफ़ी नहीं होती है, उसमें से आप लोगों को 20-22 GB की स्टोरेज ही मिलती है अपने यूज़ के लिए, अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, फोटोज वीडियोज़ के लिए ऑन बोर्ड। आप हालांकि इसे 128 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें एक स्लॉट दिया गया है, मगर यहाँ पे वो जो स्लॉट दिया गया है वो हाइब्रिड स्लॉट है। तो हाइब्रिड स्लॉट होने की वजह से आप सिर्फ एक सिम कार्ड यूज़ कर पाएंगे और आपको दूसरा यूज़ करना होगा एक मेमोरी कार्ड, जो कि आजकल बहुत से लोग दो सिम कार्ड यूज़ करते हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प नहीं है, अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो ये है वजह नंबर 4 कि ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं इसका रीज़न नंबर 5 कि ये फ़ोन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो नोकिया 6 आता है 16 MP के मेन कैमरा के साथ में, जो कि बहुत अच्छी बात है, काफ़ी हद तक ये अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकता है। मगर आप देखें तो आजकल जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो अब फ़ोन निकाल रही हैं वो डुअल कैमरा सेटअप के साथ में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो क्लैरिटी लेने की कैपेबिलिटी होती है, जो अच्छे फोटोज़ लेने की कैपेबिलिटी होती है, वो डुअल कैमरा सेटअप में ज़्यादा होती है। तो अगर आप डुअल कैमरा सेटअप के फ़ोन लेते हैं तो उसमें आपको एक लेवल का जो DSLR कैमरा से जो लिए गए फोटोग्राफ्स होते हैं उनके जैसे फ़ोटोज़ आते हैं एक लेवल तक। जो बोके इफेक्ट होता है, जो इनडेप्थ फील आती है फोटोग्राफ्स में, वो अच्छी होती है इन डुअल कैमरा सेटअप्स में। क्योंकि एक कैमरा जो काम करता है वो काम करता है मेन कैमरा की तरह, और दूसरा जो है वो डिटेल्स होती हैं डेप्थ लेने की, उसके लिए यूज़ आता है वो जो सेकेंड कैमरा। तो ऐसे में जबकि सारी कंपनीज डुअल कैमरा सेटअप की तरफ मूव हो रही है, हम नोकिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ अच्छा, तो यहाँ पे आपको फिर वही एक कैमरा मिल रहा है जो मेन कैमरा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि खराब है ये कैमरा, मगर आप जो इंडस्ट्री का ट्रेंड चल रहा है उसको देखें तो आपको डुअल कैमरा सेटअप देने में ज़्यादा अच्छा होता, जो कि इस नोकिया 6 में नहीं मिलता है। तो ये मेरे हिसाब से एक ड्रॉबैक है, एक कमी रह गई है नोकिया 6 के अंदर। तो दोस्तों, ये थी 5 reasons कि ये फ़ोन नोकिया 6 क्यों नहीं लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा आपके पास में कौन से बेटर ऑप्शंस हैं जो कि 15,000 के आसपास के प्राइस में आते हैं। तो पहला जो फ़ोन आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए एज एन ऑल्टरनेटिव टू नोकिया 6 वो है मोटो G5S+, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है। हालांकि ये 1,000 उससे महंगा है, ये 16,000 के प्राइस में आता है और नोकिया 6 15,000 के। तो आप अगर देखें तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये आता है 2 GHz के ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ में, जो कि स्नैपड्रैगन का 625 चिपसेट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये आता है 4 GB RAM के साथ में, और इसमें जो इंटरनल स्टोरेज मिलती है वो है 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, जो कि एक्सपेंड की जा सकती है। और ये आता है 13 MP के डुअल कैमरा सेटअप के साथ में, 2 13 MP के आपको इसमें कैमराज मिलते हैं पीछे, जो मेन कैमरा है। और ये आता है फास्ट चार्जिंग के साथ में, जो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसमें 3000 mAh की बैटरी दी गई है, मगर ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ये आप लोगों को चार्ज करने में ज़्यादा देर नहीं होगी अगर ये ड्रेन भी हो जाती है बैटरी आपकी तो। और बाकी की जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी सिमिलर है इन दोनों फोन्स के बीच में, जो कि डिस्प्ले को अगर देखें तो ये दोनों 5.5 इंच के फुल HD डिस्प्ले के साथ में आते हैं और 3000 mAh की बैटरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, मगर जो स्पेसिफिकेशंस दूसरी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। और जो दूसरा ऑल्टरनेटिव आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए अगर आप नया फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो Honor 6X। हालांकि ये 1 साल पुराना फ़ोन हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं इसे लॉन्च हुए, मगर जो इसकी स्पेसिफिकेशंस आती है बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं। इस फोन में आपको मिलता है 2.1 GHz प्लस 1.7 GHz का किरिन 655 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि हुआई का खुद का प्रोसेसर। बाकी की स्पेसिफिकेशंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हैं, जो तीसरा ऑल्टरनेटिव है, वो है Redmi Note 4, जो कि 12,000 के प्राइस में या 13,000 के प्राइस में आपको मिल जाता है। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है अगर आप नोकिया 6 के स्पेसिफिकेशन से कंसिडर करें और उसके प्राइस से कंसिडर करें तो। तो इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और
इसकी जो स्पीड है वो 2 GHz की है और इसमें 4 GB का रैम मिलता है, 64 GB की स्टोरेज मिलती है इंटरनल, और एक्सपेंड कर सकते हैं आप इस इंटरनल स्टोरेज को 128 GB तक। और बाकी की जो इसके स्पेसिफिकेशन से काफ़ी सेम है, मगर इसकी एक अच्छी बात और ये है कि ये मिलता है आपको 4100 mAh की बैटरी के साथ में, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी है। तो ये 3 अल्टरनेटिव फोन्स आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप नया फोन लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, ये था नोकिया 6 के बारे में वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि नोकिया 6 क्यों नहीं लेना चाहिए और इसके अलावा आप कौन से फोन्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने डिसीजन लेने में आपको ये मददगार लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और ऐसे वीडियोस के लिए, और साथ में दबाइए वो बेल आइकन बटन ताकि आप लोगों को अगले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।